बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें स्टूडेंट, ये चैप्टर लेसन नंबर 3 है और कॉलेज में तुलबा नाकाम क्यों होते हैं, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। कॉलेज में तुलबा फेल क्यों होते हैं, इस मज़मून में मुसन्निफ़ कॉलेज में तुलबा के नाकामी के सबाब बयान करता है और वह तुलबा को दो ग्रोह में तकसीम करता है। पहला ग्रोह ऐसे तुलबा पर मुश्तमिल है जो इम्तहान पास करने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम हो जाते हैं, और दूसरा ग्रोह उन तुलबा का है जो सिरे से इम्तहान में कामयाब होने की कोशिश ही नहीं करते। तो लिहाजा ये सबक इस तरह शुरू होता है कि ऑफ द बॉयज़ Who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career, के ऐसे तुलबा जो कॉलेज की ज़िंदगी के दौरानिए में अपनी फितरती तलीमी सराहत तक रसाई हासिल नहीं कर पाते बल्कि पास होने में नाकाम हो जाते हैं। हु फेल टू गेट थ्रू, पास होने में नाकाम, गेट थ्रू मीन पास होने में फेल नाकाम हो जाते हैं। देर आर टू मेन क्लासेज, और दो बड़ी क्लासेज हैं, दोज हु ट्राई, वो लोग जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और वो लोग जो कोशिश नहीं करते। मैनी बॉयज़ अटैम्प्ट सीरियसली, बहुत सारे तुलबा जो है वो संजीदगी से कोशिश करते हैं टू मेक गुड, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, कामयाब होने के लिए, अच्छा होने के लिए, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी, और उनके अंदर फितरती पैदाइशी, नेटिव मीन फितरती पैदाइशी काबिलियत भी होती है टू डू सो, ऐसा करने की, बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन इसको वो नामुमकिन पाते हैं, टू सिट एट द डेस्क पर बैठकर काम करना एंड कंसंट्रेट ऑन दी टास्क असाइंड, और जो काम उनको मुतय्यन किया जाए, तफ़ीज़ किया जाए, उस काम को सर अंजाम देने के लिए। देर इज़ द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी, ऐसा लड़का जो बैठता है स्टडी करने के लिए। देर इज़ द बॉय ओपन हिज बुक, अपनी किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क सेज टू हिमसेल्फ, लेकिन वो किताब खोलने से पहले अपने आप को कहता है कि आई थिंक, मेरा ख्याल है, दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, और बेहतर ये है कि मैं अपनी पेंसिल पहले शार्प कर लूँ, और इट नीड्स इट बैडली, और बहुत सख्त इसको ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है इसको करने की। एंड व्हेन ही हैज़ शार्पन्ड इट, और जब वो इसे शार्प कर लेता है, तेज़ कर लेता है, ही ऑब्जर्व, वो ये देखता है, दैट ऑल हिज पेंसिल नीड शार्पनिंग, उसकी तमाम पेंसिलों को शार्प करने की ज़रूरत है, एंड सो ऑन अनटिल हिज टाइम इज गॉन, इस तरह उसका वक्त चला जाता है, एंड नथिंग हैज़ बिन डन, और कुछ नहीं कर पाता। सच नर्वस हैबिट्स, और इस किस्म की घबराहट वाली आदतें और नॉट ईजी टू अप्रूट, उनको जड़ से खाड़ना आसान काम नहीं होता। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अप्रूट, एंड सो फार एज आई कैन सी कैन नॉट बी रेडी।
eradicated by anyone but the boy himself. कोई दूसरा इसको ख़त्म नहीं कर सकता लेकिन लड़का खुद ही इसको दुरुस्त कर सकता है. Others can see the difficulty. दूसरे जो हैं वो सिर्फ इस मसले इस दुश्वारी की निशानदेही कर सकते हैं. But the boy must take himself by the collar. लेकिन लड़के को खुद अपने आप को सख्त तकाजा करके सख्त तरीके से कॉलर से पकड़ना चाहिए. एंड मेक हिमसेल्फ कल्टीवेट है और खुद अपने आप को राय रास्ते पर पॉइस और सूदगी के रास्ते पर लगाना चाहिए. एंड काम और इत्मीनान के रास्ते पर दैट समुद्र दी फिजर्स और जिससे गला घूटा जा सके बेचैनी का. अनटिल ही डज दिस और जब तक वो ऐसा नहीं करता ही डज नॉट रियली ट्राई वो हकीकत में कोशिश नहीं कर रहा. ऑल्दो ही थिंक्स और अगरचे वो सोचता है ही इज ट्राइंग वो कोशिश कर रहा है. एंड ऑफन स्पेंड्स मोर टाइम इन द प्रेजेंस और बहुत सारा वक्त अपना मौजूदगी ऑफ एन ओपन बुक खुली किताब की मौजूदगी में गुजारता है. देन मैनी ए बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी और जबकि इसी काबिलियत के दूसरे बच्चे हु डज गुड वर्क इसी दौरान अच्छा काम जो है वो कर लेते हैं. अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज ए मिस्टेकन एम्बिशन. अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वजूहात हैं और जिनकी बना पर बच्चे फेल होते हैं. पहली वजह सामने आ गई है कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज अ मिस्टेकन एम्बिशन. वो गलत ख्वाहिश है फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स जो उनके वालदैन उनके मुतलक रख लेते हैं. मोर ऑफन देन आई शुड विश और मैं अक्सर जो है मुझे एक लड़का मिलता है जो अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं लेता. आई फाइंड ए बॉय हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन और जो अपना काम किसी आजाज के साथ नहीं कर रहा. बिकॉज ही इज फॉलोइंग अ डायरेक्शन क्योंकि वो ऐसी हदायत पर अमल कर रहा है मैप्ड आउट जो तय की हुई हैं बाय हिज पेरेंट्स उसके वालदैन की तरफ से. दैट रन्स काउंटर जो के खिलाफ जाती हैं टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट उसकी तमाम दिलचस्पियों एंड एबिलिटी और सलाहितों के. आई हैव मेड अ नंबर ऑफ वेरी वार्म एनिमीज और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को अपना दुश्मन बना लिया. आई हैव मेड ए नंबर ऑफ वार्म एनिमीज अमंग द पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट यानी कॉलेज के तलबा के वालदैन में से बहुत सारे लोगों को बाई टेलिंग दैम उन्हें बताकर दैट आई एम सर्टन मुझे पूरा यकीन है दैट द गुड लॉर्ड के गुड लॉर्ड जो है उसने कभी रब ताला ने कभी जो है नेवर इंटेंडेड कभी इरादा नहीं किया देयर सन टू बी ए फिजिशियन के वो गुड लॉर्ड ने कभी भी ये नहीं कहा कि उसका बेटा डॉक्टर बने या वो दंदान साज बने और इंजीनियर या वो इंजीनियर बने बल्कि ये बच्चे की मर्जी है.
son to be physician or a dentist or an engineer. यानी गुड लॉर्ड ने कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि उसका बेटा डॉक्टर या दंतनसाज या इंजीनियर बने. इट मे बी दैट द बॉय हैज एबिलिटी एनफ टू बी एनी वन. और ये बच्चे की सलाहियत हो सकती है कि इनमें से कोई बन जाए. ऑफ दिस थिंग बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, इसकी मुख्य नतीजा ये है, इट इज ही डज नॉट वॉन्ट टू बी, वो बनना नहीं चाहता. He wants to be a theatrical manager. वो थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है, और बिजनेसमैन और बुक इलस्ट्रेटर बनना चाहता है, और वो ये बनना ही नहीं चाहता. It may be unreasonable for the boy to turn his back on a फाइन ओपनिंग इन दी डेंटल प्रोफेशन. और ना समझ आने वाली बात है लड़के की तरफ से कि वो वापस मुड़ जाए, हालांकि उसने बड़े अच्छे दांतों के प्रोफेशन का इफ्तिताह कर लिया इन फेवर ऑफ बिजनेस, और फिर वो कारोबार करना चाहता है. बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑफ ऑल दीज मैटर, लेकिन अकल इन तमाम चीज़ों का, इन मामलात का अहाता नहीं कर सकती. एज वेल आर्ग्यूड विद ए पर्सन, और जैसा कि अगर आर्ग्यू किया गया है किसी आदमी के साथ दलाइलबाजी, दैट ही आर्ट टू लाइक ओनियंस, कि उसको प्याज पसंद करने चाहिए. वैन ही डिटेस्ट दैम, जबकि वो उनको नफरत करता है. एज ए जनरल थिंग द बॉय विंस, और आम तौर पर लड़के जीत जाते हैं इन सच कंट्रोवर्सीज, इस किस्म की जो बहस मुबासे हैं उनमें बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर. एंड ही शुड, और उन्हें जीतना भी चाहिए. आल्सो ही इट सेड द पेरेंट होम आई हैव ऑफेंडेड, वो वालदेन जिसको मैंने नाराज किया, यू विल कम्स अराउंड, आमतौर पर वापस आते हैं आफ्टर टर्म ऑफ ईयर्स और कई सालों बाद, एंड टेल्स मी, और मुझे बताते हैं, दैट हिज सन वाज राइट, कि उसका बेटा दुरुस्त था, एंड दैट ही इज थैंकफुल टू मी, और वो मेरा शुक्रगुजार है. और टेकिंग द पार्ट ऑफ बॉय इन आर्गुमेंट, लड़के के बारे में दलाइलबाजी में मैंने हिस्सा लिया. इफ सच अ बॉय फेल्स, अगर ऐसा लड़का फेल होता है, इट इज़ बिकॉज ही कैन नाट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू द वर्क, क्योंकि वो अपने आप को उस काम के लिए नहीं लगा सकता, दैट इज जो के खिलाफ है, दैट इज डिस्टेस्टफुल, और जो उसके टेस्ट के खिलाफ, एंड दैट ही फील्स इज लीडिंग हिम टू द रॉन्ग, और वह महसूस करता है कि उसको गलत तरफ ले जाया जा रहा है डायरेक्शन. इफ द कॉलेज इज अलाइव, अगर कॉलेज जिंदा है, टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, उसने जिंदा रखा हुआ है अपने मशवरे का अमल. सच केसेस आर कॉट, ऐसे केसेस को पकड़ा जा सकता है. बिफोर द फेलर इज कम्प्लीट, इससे पहले के पूरी तरह नाकामी जो है वो हो जाए, उससे पहले ही ऐसे केसेस को पकड़ा जा सकता है. अनदर टाइप ऑफ बॉय, एक और किस्म है लड़कों की, हु डज नॉट ट्राई इज वेरी ब्राइट बॉय, वो लड़का जो बहुत ही ब्राइट है, ज़हीन है. Who has always done his school work without effort, जो आपने स्कूल का काम बगैर किसी एफर्ट के कर लेता था, मेहनत के. And who has never learned what real application is, जिसने कभी ज़िंदगी में सीखा ही नहीं कि असल मेहनत क्या है. He supposes that he can float through college with a little effort, और कॉलेज में आकर भी उसका यही नज़रिया होता है कि वो कॉलेज में बग़ैर किसी कोशिश के, जैसे स्कूल में पास हुआ था वैसे पास हो जाएगा.
आई समटाइम थिंक दैट द ब्राइट बॉय हु हैज ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज एबिलिटी टू गेट थिंग्स क्विकली, और मैं बाद का सोचता हूँ कि ऐसा बच्चा जो कि हमेशा निसार करता है अपनी काबिलियत पर टू गेट थिंग्स क्विकली और जल्दी से चीज़ों को पिक कर लेता है इज़ द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट, और वो बहुत काबिल तर्स चीज़ है अमंग ऑल आवर फेलर और फेलिंग स्टूडेंट्स, हमारे फेल होने वाले तलबा में से वो काबिल तर्स आदमी है। फार इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रेजेडी टू सी ऑल ऑफ दिस कीनेस गोइंग टू वेस्ट, क्योंकि ये एक अलमिया है कि इस किस्म की जहानत को जब ज़ाया होते देखा जाता है एंड टू फील दैट एंटायर अपॉर्चुनिटी, और जब ये महसूस किया जाता है कि पूरा मौका विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर इज पास्ट, जो कॉलेज ने पेश किया वह गुजर गया बिकॉज ऑफ टू रिसेप्टिव माइंड, हालांकि उसका जहन चीज़ों को बड़ी जल्दी ले लेता था। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज अगेन नॉट ईजी, तो इलाज जो है इस किस्म की चीज़ का आसान नहीं है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन इंटायर चेंज, इसमें मुकम्मल तौर पर तब्दीली शामिल है, आप एटीट्यूड रवैये की तब्दीली एंड द फार्मिंग ऑफ ए कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और नए आदत मुकम्मल तौर पर बनाना। नो वन कैन डू दिस, कोई भी नहीं ये कर सकता, बट द बॉय हिमसेल्फ, लेकिन लड़का खुद कर सकता है। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज, हम में से बाकी लोग जो काम कर सकते हैं, द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, अनदर टाइप ऑफ बॉय हु डज नॉट ट्राई, और जो द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिजिकल एंड मेंटल इज ऑलवेज वन ऑफ द रीज़न फॉर फेलर, और अगली वजह यह है कि वो सेहत का मसला होता है जिसमें दोनों किस्म की सेहत आती है दिमागी और जिस्मानी। इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस इज अवेलेबल इन द कॉलेज, अगर कॉलेज में काफ़ी खिदमात हैं, एंड इफ़ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टीचिंग स्टाफ, और अगर मुकम्मल तौर पर कोऑपरेशन मौजूद है टीचिंग स्टाफ के अंदर एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, कॉलेज के डॉक्टर के दरमियान, एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइडेड, बहुत बड़ी तादाद को बचाया जा सकता है फेल होने से। एंड व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, जो कि बड़ा ज़रूरी है, द रीज़न फॉर इनेबिलिटी टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड, और अगर कोई बच्चा सही तौर पर तसल्ली से काम नहीं करता, समझा जा सकता है कि वो बीमार है बाय द बॉय हिज पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटी, और तीनों को गौर करना चाहिए, वालदेन को, कॉलेज अथॉरिटी को और बच्चे को। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, अगर वो पूरा काम नहीं करता, घटिया काम करता है, द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, जिसकी वजह भी कोई सामनेदार नहीं होती, इट इज़ माई कस्टम, मेरी आदत होती थी ऑलवेज टू आस्क द स्टूडेंट, के लड़के को पूछा जाए टू अंडर गो ए थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन, कि वो अपना जिस्मानी मुआयना कराए डॉक्टर से। इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट इन ऑल लार्ज परसेंटेज ऑफ सच केसेस, और एक बहुत बड़ी तादाद मिलती रही ऐसे केसेस की, यूनिवर्सिटी फिजिशियन फाइंड्स और यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर हैं उन्होंने पाए बहुत सारे बच्चे बीमार, एन एडिक्वेट रीज़न फॉर द डिफ़िकल्टी, और काफ़ी ये वजह पाई गई और इस मुश्किल की। तो ये हमारे पास कुछ वजूहात बनी हैं जो फेल होने की, कुछ वजूहात हैं और कुछ वजूहात हम आगे पढ़ेंगे दूसरे हिस्से के अंदर।